हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू के के चौहान विजन वंस अगेन आई एम हेयर विद ए न्यू क्वेश्चन फ्रॉम लेसन ग्रेविटेशन क्वेश्चन इज इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज़ द अर्थ नॉट मूव टू वर्ड्स द मून यदि मून जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है तो फिर क्या कारण है कि अर्थ जो है वो मून की ओर नहीं जाती है तो पहले तो इस फार्मूले को हम देखेंगे इस बार हमारा फार्मूला जो बन रहा है ये वाला बन रहा है एक एम अर्थ के लिए हो गया और एक एम मून के लिए हो गया और ये उनके बीच की डिस्टेंस के लिए हो गया ठीक है अब क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हम यही है ना एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है तो अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है और मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है तो फिर अब क्वेश्चन है कि अगर मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या कारण है कि हमारी अर्थ मून की ओर क्यों नहीं गति करती क्यों नहीं मूव करती है वो फिर उसको तो हिल जाना चाहिए ना तो अब इसको आंसर हम देंगे कि मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को अपनी ओर अर्थ भी तो मून को अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर और, और हमें पता है अर्थ का मास ज़्यादा है ठीक है तो अर्थ जो है उसका मास ज़्यादा है मून का मास कम है ठीक है अब क्वेश्चन का आंसर आ गया द मून अट्रैक्ट द अर्थ बट द अर्थ डज नॉट मूव टू द मून क्यों नहीं जाती बिकॉज द मास ऑफ द मून इज मच लेस देन दैट ऑफ द अर्थ ठीक है अर्थ से मून का मास बहुत बहुत कम है इसलिए मून की ओर अर्थ नहीं जाती मून जो है वो अर्थ के अर्थ का मास ज्यादा ना तो इसीलिए मून जो है वो अपने जो अर्थ और मून के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है ना उसके कारण वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है ठीक है मून करता है अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व मून गति करता है अर्थ की ओर ठीक है उसके इर्द गिर्द गति करता है पर Uh, जो है क्योंकि उसका अपना भी तो मास है मून अर्थ में आकर नहीं गिरेगा और अर्थ जो है मून की ओर गति नहीं करती क्योंकि अर्थ का तो मास ही बहुत ज़्यादा है तो आंसर हमारा आ जाता है बिकॉज द मास ऑफ द मून इज वेरी लेस देन दैट ऑफ द अर्थ ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है अर्थ अट्रैक्ट्स द एप्पल ठीक है अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल ठीक है डज द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ देखो अर्थ जो है इसके ऊपर कोई सेब पड़ा है उसको अट्रैक्ट कर रही है पता ही है सेब को ऊपर भी उछाल दो तो अभी अर्थ की ओर आएगा है ना तो अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है अब क्वेश्चन है क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अब आपका आंसर क्या आ रहा है हमारा तो क्वेश्चन यही है कि वर्ल्ड की यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है उनमें क्या हो रहा है आकर्षण हो रहा है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो ये क्वेश्चन तो हो गया कि हाँ अगर एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो अर्थ एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है ये ये तो हो गया कि डज द एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ यस एप्पल आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ इफ यस देन वाई द अर्थ डज नॉट मूव टू वार्ड्स द एप्पल फिर अर्थ एप्पल की ओर क्यों नहीं जाती अभी हमने पढ़ा था मून का सेम आंसर है आप खुद भी लिख सकते हो वही बात है अभी तो मून तो फिर भी बड़ा था ठीक है और एप्पल तो बहुत ही छोटा है तो एप्पल का मास तो मून से बहुत ही बहुत ही कम होगा तो आंसर आ गया तो डेफिनेटली द एप्पल जिसको करेंगे डेफिनेटली द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ टू वार्ड्स इट्सल्फ ठीक है अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है बट द मास ऑफ द एप्पल इज निग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू अर्थ सो द अर्थ डज नॉट मूव टू वर्ड्स द एप्पल ठीक है तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे तो ये लेसन ग्रेविटेशन में से लिए गए हैं अगर मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को तो अर्थ भी मून को अट्रैक्ट कर रही है पर मून अर्थ की ओर नहीं आता या अर्थ मून की ओर नहीं जाती क्योंकि दोनों दोनों अपने अपने मास के कारण जो है वो स्थिर है अपनी अपनी जगह पर वो गति कर रही है ठीक है, 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 है ऐसे ही अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है पर एप्पल का मास जो है वो निग्लिजिबल है ऐसे ही यहाँ पे मून का मास जो था वो बहुत ही बहुत ही कम था अर्थ के कंपैरिज़न में ठीक है तो यही कारण है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू कंसर्न स्टूडेंट्स थैंक यू